हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? इट्स अ स्टडी टाइम ऑफ साइंस। टुडे इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अगेन अबाउट द टॉपिक टीथ एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। इन प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन यू अबाउट टीथ, टाइप्स ऑफ टीथ एंड पार्ट्स ऑफ टूथ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू क्विक रिविजन ऑफ these topics, then we will discuss about taking care of our teeth. Yes friends, what do you mean by teeth? The hardest calcified structures found in jaw, in our mouth, that are used to break down food. Hard structure, hard whitish structure that are found in our jaw, in our mouth. जो व्हाइटिस हार्ड स्ट्रक्चर जो हमारे मुंह में दिखते हैं वो क्या है? दैट आर टीथ एंड दैट आर यूज्ड टू ब्रेक डाउन फूड, जो कि खाने को ब्रेक डाउन करने में हमारी हेल्प करते हैं। दे हेल्प अस टू च्यू द फूड। देर आर टू टाइप्स ऑफ टीथ, टेम्पररी टीथ और मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। देर आर टू टाइप्स ऑफ टीथ, टेम्पररी टीथ और मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। टेम्पररी टीथ, ए चाइल्ड हैज टेम्पररी टीथ अप टू एज 12 टू 13 इयर्स। व्हेन ए चाइल्ड बोर्न, ही और शी डज नॉट हैव एनी टीथ इन हिज और हर माउथ, बट बाय द टाइम बिटवीन सिक्स टू ट्वेल्व मंथ्स टीथ स्टार्ट टू इमर्ज एंड बाय द टाइम टू थ्री इयर्स ए चाइल्ड डेवलप्ड 20 सेट ऑफ टीथ दैट आर नोन एज टेम्पररी टीथ और मिल्क टीथ। एंड व्हेन ए चाइल्ड बिकम 5 to 6 ईयर ओल्ड दे स्टार्ट फॉलिंग ऑफ एंड परमानेंट टीथ स्टार्ट टू टेक प्लेस ऑफ देम। जैसे ही बच्चा 5 to 6 बच्चा पैदा होता है तो उसके मुंह में कोई भी दांत नहीं होते हैं, लेकिन जैसे वो 6 to 12 मंथ्स का होता है तो दांत टीथ इमर्ज होने स्टार्ट कर देते हैं, आने स्टार्ट कर देते हैं। और जैसे ही वो 2 to 3 ईयर्स का होता है 20 टीथ डेवलप्ड कर लेता है और दैट सेट ऑफ टीथ कॉल्ड टेम्परेरी टीथ और मिल्क टीथ। उस सेट ऑफ टीथ को हम क्या कहते हैं? टेम्परेरी टीथ और मिल्क टीथ। बट बाय द एज इन बिटवीन द एज 5 to 12 इयर्स टेम्परेरी टीथ स्टार्ट फॉलिंग ऑफ, गिरना स्टार्ट कर देते हैं एंड परमानेंट टीथ टेक प्लेस ऑफ देम, परमानेंट टीथ उनका जगह लेना स्टार्ट कर देते हैं। देन टाइप्स ऑफ टीथ, देर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ। वी हैव डिवाइड देम अकॉर्डिंग देयर फंक्शन इन 4 टाइप्स। देर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ, इंसिजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। इंसिजर्स, फ्रंट 4 टीथ, 4 टीथ इन ईच जॉ, इट मींस टोटल 8 टीथ दैट आर फ्लैट एंड ब्रॉड एंड शार्प। दे हेल्प अस टू कट द फूड, दे आर नोन एज इंसिजर्स। फ्रंट टीथ, दे आर शार्प टीथ एंड दे हेल्प अस टू कट द फूड। ये शार्प होते हैं और हमें फूड को कट करने में हेल्प करते हैं। दीज आर द इंसिजर्स, दे आर 8 इन नंबर इन बोथ जॉ, इन ईच जॉ देर आर 4 इंसिजर्स। देन नेक्स्ट टू द इंसिजर्स canines, next to the incisors canines, sharp pointed teeth, next to the incisors sharp pointed teeth,
are canines. They are two in each jaw and four in both jaw. एक जबड़े में दो होते हैं तो टोटल फोर. They are two jaw in our mouth. They help us to tear the food. ये किस में काम आते हैं, किस में हेल्प करते हैं फूड को टीयर करने में, बिकॉज दे आर पॉइंटेड एंड मोस्ट ऑफ कार्निवोर्स हैव डेवलप्ड कैनाइन्स पॉइंटेड टीथ बिकॉज दे ईट फ्लैश ऑफ एनिमल्स. देन प्रीमोलर्स, नेक्स्ट टू द कैनाइन्स देर आर प्रीमोलर्स. दे आर फोर इन ईच जॉ, इट मीन्स टोटल इन बोथ जॉ, टोटल एट इन बोथ जॉ. दे आर फोर इन ईच जॉ. एक जबड़े में कितने होते हैं फोर, देन टोटल एट इन बोथ जॉ. दे आर ब्रॉड, देन द कैनाइन्स एंड इंसिजर्स. They help us to crush the food and chew the food. Then next molars. After premolars there is molars. There are six molars in each jaw. It means in both jaw there are 12 molars. They are more broader than the premolars and they grind the food and chew the food. They help us to grind the food and chew the food. The next parts of tooth, parts of tooth. Tooth divide in two part. One part that you can see and one part that you can't see. Part that you can see, white is part that you can see, that is known as crown. And part that lies in the gums, that is known as root, that you can't see. जो गम में होता है, जो हमारे मसूड़ों में होता है, उसको root part कहते हैं. That part that you can see, that is crown, and crown is covered by a layer that is known as enamel, and this is the hardest part of our body. Enamel is the hardest part of our body because it is built of calcium salt that make it hard. Next to the enamel there is dentine. It is hard part. It is also hard part of the tooth. And next to the dentine there is pulp. This is the soft part of the tooth. And blood vessels and nerves are found in pulp that supply blood to our tooth. Then students, now we will discuss about taking care of our teeth. कि हमें अपने teeth का कैसे take care करना चाहिए. You know, they are very important for us because they give shape to our face, so we look smart. They help us to speak. हमें बोलने में help करते हैं. Otherwise, we will not able to convey our message properly to others. And they help us to chew the food. हमें खाना खाने में help करते हैं. So we should take care of them. Teeth help us to cut, tear, and chew food. When we eat, food particles get stuck in the गैप बिटवीन अवर टीथ. जब भी हम खाना खाते हैं तो फूड पार्टिकल्स क्या होते हैं, हमारे
टीथ के गैप्स के बीच में स्टक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। एंड दीज फूड पार्टिकल्स नीड टू बी रिमूव्ड, और इन फूड पार्टिकल्स को हटाना बहुत जरूरी होता है हमारे लिए आफ्टर ईटिंग फूड। इफ टीथ आर नॉट क्लीन प्रॉपरली, जर्म्स कैन ग्रो ऑन देम एंड फॉर्म अ येलो स्टिकी लेयर कॉल्ड प्लैक। यदि हम फूड पार्टिकल्स को प्रॉपरली रिमूव नहीं करेंगे तो उनमें बैक्टीरिया क्या हो जाते हैं, डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं, जर्म्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं एंड दे मेक अ येलो कलर लेयर ऑन अवर टीथ, दैट इज नोन एज प्लैक, दैट इज नोन एज प्लैक। एंड दी जर्म्स चेंज द शुगर प्रेजेंट इन फूड पार्टिकल्स इनटू एन एसिड, और ये जर्म्स, ये बैक्टीरिया हमारे फूड पार्टिकल में जो शुगर होती है, शुगर प्रेजेंट होती है, उसको एसिड में चेंज कर देते हैं। एंड दिस एसिड अटैक्स द इनामेल एंड मेक अ होल कॉल्ड कैविटी, और ये एसिड हमारे इनामेल पे अटैक करता है जो कि हार्डेस्ट सब्सटेंस है, हार्डेस्ट लेयर है हमारे टीथ की, इस पे अटैक करना स्टार्ट कर देता है एंड मेक कैविटी इन इट, और उसमें कैविटी बना लेता है। व्हेन द कैविटी रीचेस द पल्प, और जब वो कैविटी पल्प तक पहुंच जाती है, द टूथ स्टार्ट पेनिंग, तो दांत में दर्द होना स्टार्ट कर देता है। जब भी आप कोई ठंडा पानी पीते हैं, कोई मीठा खाते हैं, आपको पेन होना स्टार्ट हो जाता है टीथ में। टूथ डिके रिजल्ट इन बैड ब्रीथ एंड टूथ हैक एंड इनडाइजेशन, और इसके अलावा टूथ डिके से हमारे जब हम ब्रीथ करते हैं तो उसमें स्मेल आती है, दांत में दर्द होता है और इनडाइजेशन भी स्टार्ट हो जाता है, जर्म्स हमारे अंदर तक पेट तक पहुंच जाते हैं और इंडाइजेशन स्टार्टिंग हो जाती है। देन हाउ टू टेक केयर ऑफ अवर टीथ, वी विल डिस्कस अबाउट इट नाउ। इट मीन्स वेज टू प्रोटेक्ट अवर टीथ, हम अपने टीथ को कैसे प्रोटेक्ट करें। ब्रश टीथ ट्वाइस अ डे इन द मॉर्निंग एंड एट नाइट, हमें हमारे टीथ को टू टाइम इन अ डे, एक दिन में दो बार ब्रश करना चाहिए, इन द मॉर्निंग एंड इन द एट द नाइट टाइम बिफोर गोइंग टू बेड। क्लीन बोथ द इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ टीथ प्रॉपरली, इट मींस क्या मोस्टली टाइम क्या करते हैं, ब्रश बाहर बाहर से कर लेते हैं, नो, we should clean both side, inner side as well as outer side, both side we should clean. Brush the upper teeth downwards and lower teeth upwards, it means up down, this way we should brush our teeth. Brush the chewing surface of premolars and molars because they are broad and they have grooves in them, so we should brush properly to remove food particles from the grooves. Rinse your mouth after every meal with water to remove food particle stuck between teeth. हमें अपने माउथ को प्रॉपरली रिंस करना चाहिए, प्रॉपरली टीथ को साफ करना चाहिए खाना खाने के बाद में। वी शुड रिमूव स्टक फूड फ्रॉम आवर टीथ दैट कैन कॉज ऑफ टूथ डिके। ईट फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स लाइक कैरेट रेडिश एंड ड्रिंक मिल्क एवरी डे फॉर हेल्दी टीथ। हेल्दी टीथ रखने के लिए हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को प्रेफर करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा खाना चाहिए एंड वी शुड ड्रिंक मिल्क every day to stay
टीथ हेल्दी, हमारे टीथ को हेल्दी रखने के लिए हमें रोज दूध पीना चाहिए, बिकॉज मिल्क प्रोवाइड अस कैल्शियम दैट मेक अवर टूथ और टीथ हेल्दी. विजिट अ डेंटिस्ट इन एवरी 6 मंथ और इफ देर इज एनी प्रॉब्लम वी शुड विजिट अ डॉक्टर टाइमली, अदरवाइज इन ईयर वी शुड विजिट मिनिमम 2 टाइम टू मेक अवर टू हैव अवर टीथ हेल्दी. मे बी यू अंडरस्टैंड. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.